देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। झुंझुनू में गणपति नगर के एक मकान में विवाहिता के फंदे पर झूलते हुए मिले शव के मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि महिला का भाई चैनपुरा निवासी अनिल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया था, जिसने महिला के सास ससुर और देवर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया, जिसकी जांच डीएसपी सिटी ममता सरस्वत कर रही है। मेरे गांव से निकला और मेरी वो बड़ी सी छठी जिसकी 6 साल पहले हुई थी, ठीक। तो मैं वो कल मैं वहाँ पे था दिल्ली, तो मेरे को ये पता चला कि मतलब मेरी बहन को मतलब अपने सुसाइड किस तरह देखी, उसको मार के और फिर 5 के 5 पे गया थे बहन, तो हॉस्पिटल में मेरी बहन को मतलब पूरा वो मतलब पूरा सहयोग मतलब पूरा सहयोग जो भी टीम है सहयोग हुए, तो मेरी बहन को तय जी से कहता हूँ कि आपकी टीम मेरी बहन का हिस्सा था, मेरे को कि उन्होंने मार के मेरी बहन को फिर 15 रखा है। गणपति नगर इलाके में एक महिला जिनका नाम रिंकू है ने अपने कमरे में फांसी से लटकी हुई मिली हमें। उसके बाद में हमने वहां पर उसकी पूरी FSL से फोटोग्राफी वगैरह करवा कर लाश को मॉर्चरी रूम में शिफ्ट कर दिया था। कल महिला के जो सगे भाई हैं वो यहां पर झुंझुनू में नहीं थे, दिल्ली थे वो, तो आज सुबह वो आए हैं। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम करवाया है मेडिकल।